अगर हम कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक करते हैं नेक्स्ट जर्नल कैश कर एंट्री, दो, तो इसका पहला एस्पेक्ट क्या हो गया? कैश। कैश ऐसे तो कल तक ही लिख पाएंगे। पहला एस्पेक्ट हो गया कैश, दूसरा एस्पेक्ट हो गया बैंक। दोनों हमारे एसेट होते हैं, कैश बैलेंस भी हमारा एसेट होता है और बैंक बैलेंस भी हमारा एसेट होता है। तो अगर मैं कैश विड्रॉ करती हूं बैंक से, डेबिट। आज की जर्नल एंट्रीज यहां से स्टार्ट हुई हैं। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो कैश और बैंक दो एस्पेक्ट है, कैश भी मेरा एसेट है, बैंक भी मेरा एसेट है। कैश मैंने बैंक से निकाला तो ये वाला एसेट तो बढ़ गया, तो डेबिट हो जाएगा। लेकिन जो बेटा जी बैंक वाला एसेट है वो भी तो एसेट है, पर वहां से तो मैंने निकाल लिया तो वो कम हो जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो इन्होंने बिल्कुल सही एंट्री बोली, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी भी किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और ये तो पुरानी वाली एंट्रीज है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। गुड्स परचेज करे गोपाल के, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। गुड्स परचेज करे कैश तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो कुछ पुरानी एंट्रीज है। बाकी जो आज की नई एंट्री है दैट इज कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो दो एस्पेक्ट है, एक कैश और एक बैंक। चलो एक पुराना और, फर्नीचर परचेस्ड कॉस्टिंग 12,000 फ्रॉम मोहन। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, डेबिट टू मोहन अकाउंट। फर्नीचर परचेज कॉस्टिंग 12,000 फ्रॉम मोहन। इस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट है, एक है फर्नीचर एक है मोहन। फर्नीचर आ रहा है तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? बिल्कुल सही, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन। अभी मैं इसी में तीन तरीके के ट्विस्ट पूछने हैं मुझे। अगर मैं बोलू बेटा जी फर्नीचर परचेज फॉर कैश तो क्या होगा? अभी एक मिनट सुन लेना, तो क्या होगा ये भी बताना है। और अगर मैं बोलूं कि फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज तो क्या होगा? अभी आपने बता दिया कि फर्नीचर परचेज फ्रॉम मोहन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मैं बोलती हूँ फर्नीचर परचेज कॉस्टिंग, पूरा ऊपर वाला पॉइंट है, 12,000 फ्रॉम मोहन की जगह फॉर कैश है, ऐसे इधर है फर्नीचर परचेज कॉस्टिंग 12,000 फॉर पर्सनल यूज। अब बताओ क्या फर्क है तीनों एंट्रीज में? वो वाली एंट्री आपने बिल्कुल सही बताई, डेबिट टू कैश अकाउंट, वो तो सही है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। और अगर फर्नीचर परचेज करते हैं मोहन से तो फर्नीचर परचेज कॉस्टिंग 12,000 फ्रॉम मोहन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन हो जाएगा। अगर बोले फर्नीचर परचेज कॉस्टिंग 12,000 फॉर पर्सनल यूज तो क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। चलिए एक आंसर, बाकी कोई आंसर दो। पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होगा, पर्सनल अकाउंट कोई होता ही नहीं है, ड्रॉइंग से पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता, पर्सनल कोई अकाउंट नहीं होता, ड्रॉइंग्स अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट मतलब ड्रॉइंग्स अकाउंट। कैपिटल, तो ये तो ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग अकाउंट के डेबिट टू फनी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। अर्जुन आपका आंसर? ठीक है दिव्यांशी, शिवांश,
ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पुनीत सर। ठीक है, देख लेंगे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता गलत सही से। दिव्यांशी बोलिए। दी समझ नहीं आया। तरंग आंसर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उमंग। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू विड्रॉइंग्स। वृंदा को आंसर है बेटा, टू ड्रॉइंग्स। ठीक है वृंदा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब मैं आपसे एक बात बोलती हूँ, आप सबके जर्नल एंट्री में एक चीज कॉमन है, दैट इज फर्नीचर। आप सबकी एंट्रीज में एक चीज कॉमन है, किसी ने डेबिट साइड डाला तो किसी ने क्रेडिट साइड डाला, दैट इज फर्नीचर। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या फर्नीचर बिजनेस का एसेट है? नहीं। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ले लो टाइम, कुछ मैं भी सिखाऊंगी, सारे आंसर्स तुम ही दे दोगे तो मैं क्या सिखाऊंगी, बताओ। फिर अकाउंट्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें कोई वो बात नहीं है, गलत है, ये मुझे सिखाना है। अकाउंट्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। फर्नीचर बिजनेस का एसेट है, बोलिए सोच समझ के। उसने पर्सनल यूज के लिए लिया है? नहीं है फिर। नहीं है दीदी। नहीं है, अगर नहीं है तो फिर फर्नीचर क्यों बोल रहे हो जनरल एंट्री में, जब उसका बिजनेस से कोई रिलेशन ही नहीं है। उसने फर्नीचर पर्सनल यूज के लिए लिया, ये क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आता था, बिल्कुल सेम आया था अकाउंटिंग इक्वेशन में, परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। तो मैंने आपको कहा था कि अगर उसने पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल ली है तो मुझे इससे क्या, वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी ले, उसने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी लिया इससे मुझे क्या, उसने बिजनेस से इसके लिए क्या लिया है, कैश। और मुझे बेटा जी सिर्फ किससे मतलब है, कैश। मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, उसने बिजनेस से 12,000 रुपए निकाले और उससे फर्नीचर लिया अपने घर के लिए। ना ही मुझे उसके घर से मतलब है, ना मुझे फर्नीचर से मतलब है, मुझे मतलब सिर्फ इस चीज से है कि उसने बिजनेस से क्या विड्रॉ करा है, कैश। और क्योंकि उसने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा है तो इसका नाम क्या है, ड्रॉइंग्स। तो इस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट क्या है, कैश और ड्रॉइंग्स। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये कहां कहां जाता था, एक तो बेटा जी कैश में से माइनस हो जाता था, और क्योंकि ये ड्रॉइंग्स होता था तो कैपिटल में से भी माइनस हो जाता था। आप देख सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन खोल के, अगर देखना चाहें तो, आपकी कॉपी में ही है, कैश में से भी माइनस होता था और कैपिटल में से भी माइनस होता था, क्योंकि मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि उसने अपने पर्सनल यूज के लिए क्या लिया है, मुझे सिर्फ इस चीज से मतलब है कि उसने बिजनेस के पैसे से क्यों लिया, और क्योंकि उसने बिजनेस के पैसे से लिया है तो मेरे लिए कैश क्या है, एसेट। मेरा एसेट डिक्रीज हो रहा है, अब चाहे डिक्रीज बोल लो चाहे गोज आउट बोल लो, कुछ भी बोल लो, और डिक्रीज एंड गोज आउट दोनों ही क्रेडिट होते हैं, और अगर कैश क्रेडिट होगा तो कॉमन सी बात है कि ड्रॉइंग्स डेबिट होगी। और बेटा जी एक आधा रूल मैं भी सिखा देती हूँ, जर्नल एंट्री पढ़ रहे हो तो कभी कभी तुक्के भी काम आ जाते हैं, तो कुछ तुक्के ये हैं कि परचेज हमेशा डेबिट होती है, ये मैं आपको कुछ रूल्स बता रही हूँ, परचेज हमेशा डेबिट होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, क्योंकि आप इस स्टेज पे हो कि आप इन चीजों को समझ गए हो, तो ये याद होना चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, हो सकता है कि हमने रूल लगा के किया हो, लेकिन परचेज हमेशा डेबिट होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, परचेज रिटर्न उल्टा हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। हम बच्चों को याद कराते हैं सी फॉर कैपिटल सी फॉर क्रेडिट, हमेशा क्रेडिट होती है, और ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होती है। ये कुछ ट्रिक्स है, ट्रिक्स मतलब अब आप क्वेश्चंस तो कर ही चुके हो परचेज सेल के, लॉजिक आपको पता ही है, लेकिन कभी कभी ना लॉजिक पता होने के बावजूद भी कंफ्यूजन रहता है, तो ट्रिक्स काम आ जाती है कि अगर मान लो कभी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आप परचेज क्रेडिट कर रहे हो तो खुद ही समझ जाना कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि परचेज तो बेटा जी हमेशा डेबिट होती है, सेल्स क्रेडिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होती है, और ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होती है, क्योंकि कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट साइड, और ड्रॉइंग्स मतलब कैपिटल का कम होना, तो डेबिट साइड।
और परचेज हमारा खर्चा है तो हमेशा डेबिट होगा, सेल्स हमारी इनकम है तो हमेशा क्रेडिट होगी। परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न, सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न। बहुत सारा बोल दिया। परचेज हमारा खर्चा है तो हमेशा डेबिट होगा, परचेज का उल्टा हो गया परचेज रिटर्न तो ये क्रेडिट हो गया, सेल्स हमारी इनकम है तो हमेशा क्रेडिट होगी, सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न। और ये तो आपको पता ही है मॉडर्न अप्रोच में कैपिटल क्रेडिट होती है। और ड्रॉइंग्स मतलब जब आप कैपिटल से पैसा विड्रॉ करते हो तो अगर कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट साइड तो कम डेबिट साइड होगी। तो ये कुछ ट्रिक्स है। फिलहाल क्वेश्चन क्या है कि हमने फर्नीचर परचेज किया 12,000 का फॉर पर्सनल यूज। तो अगर मैं 12,000 का फर्नीचर पर्सनल यूज के लिए परचेज करती हूँ तो बेटा जी फर्नीचर अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि ये बिजनेस का फर्नीचर नहीं है। एंड अकाउंट्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिजनेस के लिए बिजनेस से क्या गया है, कैश, और ये क्या है, ड्रॉइंग्स। एंड ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होती है तो कैश क्रेडिट होगा। अब आपकी बारी, पूछिए। कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको नोट कर लो, मैं 2 मिनट रुक जाती हूँ। बड़े आगे चलिए करिएगा ट्राई। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, अभी तो करा था दीदी, तो अभी बेटा जी दो एक साथ करेंगे ना, इसलिए दिया। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम 10,000, और इसी के साथ एक और पॉइंट है, गुड्स रिटर्न टू राम। पहले परचेज करे 10,000 के और फिर 2,000 के रिटर्न कर दिए, दोनों की एंट्री सोचो। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ये तो हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल। राम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, पर परचेज तो हमेशा डेबिट ही होती है ना, दी परचेज रिटर्न हो रही है तो क्रेडिट हो गया। ये तो परचेज रिटर्न है, तो अगर ये परचेज रिटर्न है तो डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी? क्रेडिट। क्रेडिट। इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट है, एक तो आपने बताई दिया परचेज रिटर्न, और दूसरा पार्टी का नाम गिवन है राम। अब परचेज रिटर्न तो आप बोल ही चुके हो क्रेडिट होगी, तो कॉमन सी बात है दोनों तो क्रेडिट हो नहीं सकते, मतलब राम डेबिट होगा, है ना। कितना सिंपल है, अगर ट्रांजैक्शन बनाओगे तो अपने आप बन जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब बताओ परचेज रिटर्न की एंट्री में कोई डाउट है तो, 2,000 डेबिट में भी 2,000 क्रेडिट में भी 2,000, उसमें 10,000 डेबिट पे भी क्रेडिट पे भी। एक जर्नल एंट्री एक नंबर की होती है। एक क्वेश्चन था, जैसे मान लो आपने डेबिट सही किया हो और क्रेडिट गलत किया हो तो आधा नंबर मिलेगा? ये क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं वैसे, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, मिलेगा?
जैसे मैंने डेबिट साइड तो सही कर दी और क्रेडिट साइड गलत है तो हाफ मार्क्स नहीं मिलेगा. बिल्कुल सही, हाफ का कोई लॉजिक नहीं होता है जनरल एंट्री में, बिल्कुल जीरो, क्योंकि या तो जनरल एंट्री पूरी सही होती है या पूरी गलत होती है. तो दिमाग में ये मत सोचना कि अगर मैं ऊपर वाला सही कर दूं नीचे वाला गलत हो जाए तो आधा नंबर नहीं होता, पूरा गलत या पूरा सही. तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. नेक्स्ट करेंगे हम थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं. फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 5,000 टू मोहनलाल फॉर कैश. अब बताओ, मोहनलाल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, सोच लो. हाँ ठीक है, बाकी सब भी बोल सकते हैं. इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट क्या है? कैश नेचर ऑफ कैश. मोहनलाल है नहीं, नहीं मोहनलाल नहीं आएगा क्योंकि बेटा जी पार्टी का नाम तभी आता है. अब आप आगे की बात बोल लोगे या पूरी बोल लिया? पार्टी का नाम तभी आता है जब जब क्रेडिट या डेबिट, जब ट्रांजेक्शन क्रेडिट हो, क्रेडिट पे हो, है ना, जब ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे हो. जब वो कह रहे हैं कि कैश पे है तो मुझे मोहनलाल का क्या करना है ना? दो मिनट सोचिए, मुझे मोहनलाल से क्या मतलब जब वो कह ही रहे हैं कि ट्रांजेक्शन कैश है. अगर वो ये कहते बेटा जी कि ट्रांजेक्शन उधार है तो मैं आपको कहती कि एक अकाउंट होगा फर्नीचर और एक अकाउंट होगा मोहनलाल. पार्टी का नाम तभी आता है जब ट्रांजेक्शन उधार होती है. अगर ट्रांजेक्शन उधार नहीं होती है तो पार्टी का नाम नहीं आता है. अब तो आपने करी ली होगी जर्नल एंट्री. फर्नीचर कम्स इन हो रहा है, डेबिट होगा. कैश गोज आउट हो रहा है, क्रेडिट होगा. उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी. फर्नीचर गोज आउट हो रहा है, फर्नीचर सेल कर रहे हैं ना. फर्नीचर गोज आउट हो रहा है, क्रेडिट होगा. और कैश कम्स इन हो रहा है, डेबिट होगा. तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर. एक ये बात भी मुझे सिखानी थी कि पार्टी का नाम तब कंसिडर नहीं होता है जब कैश मेंशन होता है. इस ट्रांजैक्शन में कोई डाउट? इस ट्रांजेक्शन में कोई डाउट? परचेज रिटर्न वाली में इसमें डाउट है. फर्नीचर परचेज किया फॉर पर्सनल यूज, तो एक तो कैश आएगा, एक ड्रॉइंग्स आएगा. अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. दो कुछ एंट्रीज आपको करने के लिए, बी क्विक. एक और कराती हूँ पहले, एक और करा दू फिर आप करना. रेंट पेड 5,000 टू लैंडलॉर्ड मिस्टर हरी. सोच समझ के करिएगा, बाकी ये तो मुझे बतानी ही है इसलिए मैंने दिए. इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट क्या हैं?
दी रेंट और लैंडलॉर्ड रेंट तो है लैंडलॉर्ड है कि नहीं अभी लिख लेती हूँ कोई और आंसर आएगा मैं तो वो भी लिख लूंगी अभी और दीदी हरी होगा चलो रेंट लैंडलॉर्ड एक आंसर है हरी और किसी को कुछ लगता है मिस्टर हरी अरे एक ही बात है हरी मिस्टर हरी एक ही बात होती है हरी मिस्टर हरी लो रिस्पेक्ट दे देते हैं उसको ये लो और बताओ अब क्या बोलते हैं रेंट हरी लैंडलॉर्ड बस और कुछ लगता है आपको कि कुछ है हरी जी अच्छा दीदी रेंट होगा एक अभी मिसिंग है उसे ढूंढ लो पहले एक अभी मिसिंग है जो आपने बोल ही नहीं रहे हो बोलो हाँ क्या कह रहे हो एग्जैक्टली कैश कहाँ गया कैश तो कोई बोल ही नहीं रहा भाई कैश अब क्या समझाना है ये समझाना है कि इस ट्रांजेक्शन का एक एस्पेक्ट है बेटा जी रेंट और हरी हरी जी जो भी है ये इनसे हमें कोई मतलब नहीं है ना हमें इससे मतलब है और कैश अभी तो बताया ये देखो अभी फिर भूल गया जब कैश होता है ना कि कैश में किया है ठीक है गिवन नहीं है लेकिन बेटा जी एक्सपेंसेस का एक रूल होता है ये देखिए एक्सपेंसेस का एक रूल होता है कि एक्सपेंसेस में और इनकम में पार्टी का नाम कभी भी कंसिडर नहीं होता है ये याद रखिएगा इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है पार्टी का नाम कभी भी कंसिडर नहीं होता है एक्सपेंसेस और इनकम के केस में पार्टी का नाम कंसिडर ही नहीं होता है इधर देखो ये तो क्या था फर्नीचर सेल कर रहे थे इसमें पार्टी का नाम कंसिडर होता है मोहनलाल का नाम कंसिडर होता है मैंने ये तो नहीं कहा ना कि कंसिडर नहीं होता है कंसिडर होता है कब कंसिडर होता है जब ट्रांजेक्शन उधार होती है लेकिन एक्सपेंसेस और इनकम के केस में पार्टी का नाम कंसिडर ही नहीं होता है अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो आपके लिए व्हाट मैटर्स इज रेंट आपका खर्चा है और आपकी तरफ से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट आपके लिए ये मैटर नहीं करता है कि वो हरी के पास जा रहा है या गोपाल के पास जा रहा है या रामलाल के पास जा रहा है या किसके पास जा रहा है व्हाट मैटर्स इज रेंट पेड अब ये लिखा है कि ये बताया तो हरी दीदी कैश है बेटा जी लिखा तो है रेंट पेड तो कैसे पे किया होगा कैश ही तो पे किया होगा अब आप सोचो अगर लिखा है रेंट पेड तो यहां तक में दो बातें हो गई एक तो रेंट एक तो कैश और हर ट्रांजेक्शन की दो ही एस्पेक्ट होते हैं तो लैंडलॉर्ड और हरी के लिए जगह कहाँ है भाई हर ट्रांजेक्शन के दो ही एस्पेक्ट होते हैं अब मैं तीन चार एस्पेक्ट थोड़ी बना दूंगी अब मैं अगर हरी भी बनाऊ लैंडलॉर्ड भी बनाऊ तो मेरी ट्रांजेक्शन में चार एस्पेक्ट थोड़ी होंगे तो मेन दो एस्पेक्ट क्या है एक तो रेंट और एक कैश ये आप ध्यान रखेंगे कि एक्सपेंसेस और इनकम के केस में पार्टी का नाम कंसिडर नहीं होता है अभी तो हम सीख रहे हैं अभी तो हम चार पांच दिन सीखेंगे गलती भी करेंगे एक्सपेंसेस और इनकम के केस में पार्टी का नाम कंसिडर नहीं होता है क्या क्या कराया मैंने आपको एक तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक कुछ नई एंट्रीज इसलिए बार बार दिखा रही हूँ कि ये नई चीजें हैं एक ये पर्सनल यूज वाली बात कि अगर हम पर्सनल यूज के लिए लेते हैं तो फर्नीचर का अकाउंट नहीं बनता है याद है आपने खुद ही बोला कि फर्नीचर बिजनेस का एसेट है ही नहीं तो इसका अकाउंट बनेगा ही नहीं ये कुछ जनरल रूल्स रिटर्न करने की एंट्री परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न अगर कैश गिवन है तो पार्टी का नाम कंसिडर नहीं होगा और एक्सपेंसेस और इनकम में तो कुछ भी हो जाए पार्टी का नाम कभी भी कंसिडर नहीं होता है चलो अब लिखो फटाफट से एक क्वेश्चन
करिएगा ट्राई फटाफट। चलिए बी क्विक, 5 मिनट है आपके पास, आराम से करो। पूछेगा बेटा जी, किसी को कोई डाउट है बोलो। दीदी सारे हो गए, सारे पॉइंट्स हो गए। हाँ सारे। चलिए 2 मिनट बेटा जी बस।
दी हो गए। चलिए जी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश से शुरू करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सबसे आसान वाली मैं बता देती हूँ, फिर आप अगली बताना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एक सेकेंड। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अमाउंट आ जाएगी 2,00,000 कैश और 2,00,000 कैपिटल। चलिए जी, नेक्स्ट ट्राई करेंगे। आप में से कोई एक एक करके चलते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश या गोपाल? कैश। पार्टी का नाम कंसिडर नहीं होगा क्योंकि कैश गिवन है। परचेज अकाउंट डेबिट टू टू कैश। अभी सिखाया था पार्टी का नाम कंसिडर नहीं होगा क्योंकि बोल रहे हैं कि कैश है, तो फिर मुझे क्या करना? कैश। कैश, चलो नेक्स्ट। मोटरसाइकिल परचेज फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। शाबाश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जिसे अपनी क्वेरीज पूछनी है पूछ सकते हैं साथ में, कि ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। मोटरसाइकिल परचेज करी पर्सनल यूज के लिए 5,000। देखो पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग्स तो आएगा ही आएगा, और ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होती है। मोटरसाइकिल अकाउंट बनेगा नहीं क्योंकि बिजनेस का एसेट नहीं है, तो बचा कैश। तो मोटरसाइकिल ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कमीशन रिसीव्ड फॉर सेल, अब जो कमीशन रिसीव हुआ है इसके शिवांश दो एस्पेक्ट क्या है, सोच के आपको बोलना है। कमीशन रिसीव्ड फॉर सेल के दो एस्पेक्ट, एक तो कमीशन है, चलो एक तो मैंने बता दूसरा दिया। कैश, शाबाश, एक कैश है एक कमीशन है। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है क्योंकि हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तो कैश आ रहा है, और क्योंकि कैश आ रहा है एग्जैक्टली, तो कैश डेबिट होगा। बिल्कुल सही, कैश डेबिट होगा टू कमीशन। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, हमारा अमाउंट आ जाएगा 2,000। दिव्यांशी यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी दी। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड्स रिटर्न टू गोपाल, गोपाल अकाउंट परचेज नहीं बेटा जी, परचेज रिटर्न। हाँ, हमने परचेज किया हुआ सामान रिटर्न किया है ना, तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज क्रेडिट नहीं होती, परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो इसलिए हमने दूसरा ढूंढ रखा है उसका भाई, परचेज रिटर्न, इसको कर लो क्रेडिट। गोपाल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 2,500। सैलरी पेड टू वर्कर ए, करोगे आप ट्राई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वृंदा सही है ये? शायद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैपिटल का तो बेटा जी मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि सैलरी पे करी है वर्कर को। तो इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट क्या है, एक तो सैलरी है, अब आप दूसरा सोचो ए है या कैश है? कैश। कैश है क्योंकि एक्सपेंसेस में पार्टी का नाम नहीं आता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। और एक लास्ट 1500, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और 1500 एक लास्ट है हमारे पास, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आपने कैश बैंक में जमा किया, ये तो आज आते ही सबसे पहले किया था कि अगर कैश बैंक से निकाले या कैश बैंक में जमा करें। अब हम कैश बैंक से कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और कैश बैलेंस कम हो रहा है, कैश गोज आउट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एग्जैक्टली,
2200 आ जाएगा डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब जिनकी ट्यूशन है बेटा जी वो लीव कर सकते हैं और जो इसमें पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। ये हमारी कुछ जनरल एंट्रीज हैं। कल हम अभी तक हम दो वाली पढ़ रहे हैं, कल हम स्पेशल ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस और एक्रूड की। जिसे समझ में नहीं आ रहा है वो बताइए, और बाकी नवजोत कृष्णा आपको तो मैं वीडियोस भेजूंगी तो आपको देखनी पड़ेगी बेटा जी दो तीन वीडियोस। मैम इसमें एक बार लास्ट वाला पार्ट बता दो। लास्ट वाला पार्ट ये है बेटा जी कि कैश हमने कहाँ पे जमा किया है, बैंक में। तो इस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट है, एक का नाम है कैश, एक का नाम है बैंक। दोनों हमारे एसेट होते हैं, कैश भी हमारा एसेट होता है, बैंक भी हमारा एसेट होता है। कैश गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट होगा, तो बचा बैंक। तो कॉमन सी बात है, अगर कैश गोज आउट हो रहा है क्रेडिट होगा तो मतलब बैंक डेबिट होगा। और रूल के हिसाब से समझाऊं तो बैंक वाला एसेट इंक्रीज हो रहा है और कैश भी एसेट होता है पर वो डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है कृष्णा? ये बेटा जी थोड़ा सा इसके रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स जिस दिन पढ़ाए थे वो वाली क्लास में आपको भेज दूंगी। जब रूल्स क्लियर हो जाएंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। दी हमने अभी तक जितने ट्रांजेक्शन किए वो कैश से किए, अगर हम कोई डिजिटल करें तो बैंक आ जाएगा बेटा जी। डिजिटल में बैंक आ जाता है, जैसे आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हो ना, जैसे आपने ऑनलाइन मुझे फीस दी तो यू विल डू सिमरन अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर कैश नहीं आता, बैंक आ जाता है। ठीक है जी। अभी चेक वाले पॉइंट भी कराऊंगी, अच्छा वो आपने बोल दिया, कल आपको चेक वाला पॉइंट कराऊंगी कि जब चेक से या डिजिटल पेमेंट होती है तो बैंक आता है। और किसी की कोई क्वेरी है तो बताइए बेटा जी।